हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप चाहते हैं मेरे चैनल स्विमिंग बाय मनी, दूसरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आज की वीडियो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे, कान में पानी चला जाए तो क्या करना है, नाक में चला जाए तो क्या करना है, और मुँह में चला जाए तो क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं छोटी टिप्स सारी बता दूंगा कि अगर कान में चला जाए, नाक में चला जाए, मुँह में चला जाए, अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, अगर कान में पानी चला जाए तो क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे बता दूंगा कि करना क्या होता है, कि अगर हम फ्री स्टाइल करते समय हमारे नाक में पानी चला जाता है तो क्या करना है, और कान में चला जाए तो क्या करना है, मुंह में चला जाए तो क्या करना है। तो सबसे पहले बहुत आसान है कि अगर आपके कान में पानी चला जाता है तो क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड से ऐसे ऐसे मारना है, ठीक है। अगर इधर कान में पानी गया, अगर इधर गया तो इधर से मारना है, आप ऊपर से भी मार सकते हो, ठीक है। दोनों से मारने से सेम प्रेशर होगा। और उसके बाद क्या करना है, आपने नाक बंद करना है, ये सबसे पहले मैं कान का बता रहा हूँ। उससे पहले फिर क्या करना है, आपने नाक को प्रेस करना है, मुँह को बंद करना है, और जोर से सांस लेने की कोशिश करनी है, जिसके कारण कानों में जो भी पानी होगा वो बाहर आ जाएगा, जहाँ कान थोड़ा हमें कम सुनने लग जाता है पानी में जाने में, वो ज़्यादा सुनने लग जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो कानों में पानी होता है वो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है कि आप कानों को दोनों को एक साथ प्रेस करोगे कुछ देर के लिए, ठीक है, फिर उसको छोड़ोगे, फिर भी आपका कानों में सही हो जाएगा, क्योंकि जब पानी चला जाता है तो हमें कम सुनने लग जाता है, ये हमारे साथ जेन्युइनली होता रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्विमिंग करते समय हमारे नाक में पानी चला जाए तो क्या करना है, नाक में पानी चला जाए तो आपने क्या करना है, जैसे स्विमिंग कर रहे हैं, नाक में पानी चला गया और आपने 2 सेकंड वेट लेना है, उसके बाद आपने ब्रीथिंग करनी है। ब्रीथिंग करने से आप ज़्यादा जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे। क्या होता है कि कईयों के नाक में पानी चला जाता है और वो ना काफ़ी हद तक रुक जाते हैं, मतलब काफ़ी देर तक वो रुके रहते हैं, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। जैसे ही आपके कान में पानी गया है, नाक में पानी गया है, तो आपने 2 सेकंड रिलैक्स होना है। बल्कि क्या होता है कि जैसे कि नाक में पानी चला जाए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो 2 सेकंड रिलैक्स होना है। उसके बाद आपने डीप बबलिंग करनी है। बबलिंग क्या है, नीचे जाना है, नाक से सांस छोड़ते छोड़ते जाना है, बाहर आके मुँह से लेना है, ठीक है। पहले शॉर्ट कर सकते हो, उसके बाद बड़ी कर लोगे, उसके बाद 2 से 3 बबलिंग में आप नॉर्मल रिलैक्स वापस हो जाओगे। अब अगर करते समय मुँह में पानी चला जाए, ये बहुत आसान है। आप स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके मुंह में पानी चला गया, आपको उसको पूल में ही छोड़ देना है, ठीक है। जैसे पानी है, ये पानी गया, इसके करके पूल में ही छोड़ देना है काफ़ी टाइम। आप देख लेना कि मैं अगर पानी में जब गया, मैं आपको उसमें भी बता दूंगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स रहती है, और ये इतनी मतलब कि होती तो इम्पोर्टेंट है, पर इसके ऊपर स्पेशल एक लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बन सकती। तो मैंने छोटे तरीके में आपको ये बताया कि अगर आपके कान में पानी चला जाए, नाक में पानी चला जाए, मुँह में पानी चला जाए तो क्या करना है, ठीक है। मुंह में पानी चला जाए पूल में छोड़ देना है, ठीक है। नाक में पानी चला जाए आपने थोड़ी देर रुकना है, रिलैक्स करना है। अगर ज़्यादा चला जाए तो आपने ब्रीथिंग करनी है, नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये कंटिन्यू करना है, तो चलो वीडियो एंड करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे वीडियो रोकनी पड़ी क्योंकि बंदे लड़के पास में आ गए थे, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो जाता तो मेरा दिख नहीं रहा। ये इन दोनों को सपोर्ट करते रहना, और मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन अभी भी धूप में, बल्कि इतनी धूप में वीडियो बनानी बहुत मुश्किल होती है। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हो, हैशटैग करके मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। इसके कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सबको बार बार रिप्लाई करके मैं थक गया था। फिर कई बोलते हैं कि लिंक भेज दो और बस, और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हो। बीच में कई बोले नहीं ज्वाइन हो पाता, थोड़ी देर बाद कर लेना, हो जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ग्रुप के ऊपर कोई भी फालतू की चीज़ मत डालना, जैसे ही डालोगे मैं तुरंत की तुरंत ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है, ब्लॉक मतलब कि रिमूव कर दूँगा उसमें। फिर बाद में वो पर्सनली मैसेज करने लग जाते हैं, भाई मुझे सॉरी, मेरी गलती हो गई है। वो गलती करनी क्यों है, जो स्विमिंग और मोबाइल से रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, उस अदरवाइज आपने कुछ नहीं भेजना, मतलब कि गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि सवेर हो गई है। तो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी। और हाँ, इसका सबटाइटल क्या रहेगा, ये पता नहीं क्या रहेगा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। हैशटैग करके मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। मुझे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, जिसको आप जानते ही हो, और ये है टेक्निकल लवली मनी, इसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हैशटैग लगाकर बताना कि कौन सी वीडियो नेक्स्ट बनाओ। थैंक यू बहुत ज़्यादा वीडियो।